नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ग्रिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ विद प्रूफ के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल ग्रिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही व सटीक न्यूज़। आप देख सकते हैं दोस्तों, भास्कर में आज जो अपडेट आई है, स्नातक फर्स्ट सेकंड व पीजी प्रीवियस के छात्र होंगे प्रमोट। लेकिन दोस्तों, किस तरह प्रमोट किया जाएगा और क्या है प्रक्रिया, वो भी जरूर जान लीजिए। यह आप देख सकते हैं दोस्तों, भास्कर में 10 जुलाई 2021 यानी आज के न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को प्रमुखता से है वो प्रकाशित किया गया है। यह आप देख सकते हैं, कॉलेज में पूर्णतः ऑनलाइन अस्थायी नवीनीकरण प्रवेश शुरू होने वाले हैं। सबसे पहली बात कि आपके ऑनलाइन प्रवेश शुरू होंगे और वो भी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अस्थायी लिखा हुआ है, यानी प्रोविजनली आपको एडमिशन दिया जाएगा, प्रोविजनली प्रमोट किया जाएगा। हालाँकि जो स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको जरूर जनरल प्रमोट किया गया है और उनका जो दोस्तों द्वितीय वर्ष में प्रवेश होगा वो मानकर चलिए कि प्रोविजनल एडमिशन नहीं, वो स्थायी रूप से उनका एडमिशन हो जाएगा। या आप देख सकते हैं, कोरोना ने कॉलेजों में वर्षों पुरानी प्रवेश प्रक्रिया को भी तहस नहस कर दिया। स्नातक पार्ट फर्स्ट सेकंड व पीजी प्रीवियस के विद्यार्थियों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। इसके मद्देनज़र विद्यार्थियों को पूर्णतः अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें विद्यार्थियों को फॉर्म भरने या कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। कॉलेज से छात्रों के मोबाइल पर फीस जमा कराने का मैसेज आएगा, जो ई मित्र पर जाकर के है वो आपको जमा करानी होगी। मैं आपको बता दूं, ये प्रक्रिया की जा रही है वो केवल इसलिए की जा रही है ताकि जो विद्यार्थी है उनसे अगली क्लास की है वो फीस ले ली जाए और उनके है वो नेक्स्ट क्लास की है वो क्लासेज प्रारंभ कर दी जाए। और एक बार दोस्तों मैं और बता दूँ, जो ये प्रक्रिया है केवल राजकीय कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए है, और वो भी केवल जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं या फिर प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं उनके लिए अभी इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं बताई गई है। आगे आप देख सकते हैं, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर ने ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण के लिए शेड्यूल जारी किया है। उसके अनुसार स्नातक पाठ द्वितीय तृतीय तथा पीजी में उत्तरार्ध में विद्यार्थियों का अस्थायी प्रवेश के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसकी अंतिम तिथि 22 जुलाई है। उक्त तीनों क्लास के विद्यार्थियों को उनके मोबाइल पर कॉलेज के स्तर से फीस जमा कराने का मैसेज भेजा जाएगा, जो 31 जुलाई तक ई मित्र पर फीस जमा करा सकेंगे। स्नातक पाठ द्वितीय या तृतीय व पीजी उत्तरार्ध में 10 जुलाई यानी आज से आपके ऑनलाइन पढ़ाई भी है वो शुरू होने वाली है। और आप सभी विद्यार्थी दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज है वो किन किन कक्षा के विद्यार्थियों की क्लासेज है वो प्रारंभ हो रही है, क्या आपकी क्लासेज हुई है। शाम तक मैं देखूंगा दोस्तों कि विद्यार्थियों का इस पर क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी है कि राजस्थान सरकार जो ये बात कह रही है कि हम ऑनलाइन कक्षाएं लगा रहे हैं, ऑनलाइन सिलेबस पूरा करवा रहे हैं, क्या उस बात में कुछ दम है या फिर केवल 5% 10% ही कॉलेज या विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंटों के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। और यदि सही रूप में यह कार्य हो रहा है तो फिर आप परीक्षाएं भी ऑनलाइन ले सकते थे ओपन बुक मोड या असाइनमेंट बेस पर आपने उसके लिए है वो नकार दिया। विद्यार्थियों को 3-3 पेपर आप एक दिन में देने के लिए बात कर रहे हैं, आप खुद सोच नहीं पा रहे हैं कि विद्यार्थी एक सब्जेक्ट के 3-3 पेपर एक साथ में कैसे देगा। आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और गाइडलाइन में है वो आवश्यक संशोधन जरूर करना चाहिए। और कई विद्यार्थी मुझे दोस्तों है वो ट्वीट मुझे कह रहे हैं कि ट्विटर पर सर आपको फिर से एक बार है वो कैंपेन चलाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बार जो मैंने सोचा है या मेरे अनुसार जो सही रहेगा वो ये रहेगा कि हम वेट करें कि क्या कोई स्टूडेंट यूनियन या फिर बड़ा लीडर है वो ट्विटर कैंपेन चलाता है, उसको हम दोस्तों सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन इस बार हमारे द्वारा दोस्तों हमारा प्रयास यही है कि हम खुद कोई ट्विटर कैंपेन है वो शुरू ना करें। इसका कारण दोस्तों ये है कि एक तो दोस्तों यदि ट्विटर कैंपेन चलाते हैं तो जो फाइनल के विद्यार्थी हैं या जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो भी दोस्तों लगातार है वो उससे भ्रमित रहते हैं और ट्विटर कैंपेन पर लगे रहते हैं, जिससे उनकी स्टडी भी है वो प्रॉपर रूप में नहीं हो पाती। हालांकि दोस्तों हमारे द्वारा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट यूनियन है स्टूडेंट लीडर्स हैं उनसे बात करने का कॉन्टैक्ट करने का, हमने हायर एजुकेशन मिनिस्टर के सेक्रेटरी से भी बात करने की कोशिश की, जो कॉलेज शिक्षा के आयुक्त संदेश नायक जी है उनसे भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दोस्तों कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग आती है, हमें कोई संतोषजनक जवाब मिलता है, आपको दोस्तों वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन है वो जरूर दे दी जाएगी। लेकिन उतने दिन मेरा यही कहना है कि आप अपनी पढ़ाई को है वो निरंतर रूप से जारी जरूर रखें, क्योंकि सरकारों का और विश्वविद्यालयों का हम कुछ नहीं कह सकते, ये क्या डिसीजन कब ले लेते हैं, इन्हें डिसीजन वाले भोगने वाले तो दोस्तों विद्यार्थी होते हैं, उसका इफेक्ट तो हम पर पड़ता है, इन्हें तो केवल डिसीजन लेता है, इसलिए समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार के हम हैं वो हथकंडे अपना करके विद्यार्थियों को है वो भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो किस प्रकार से विद्यार्थी
तीन तीन विषयों की परीक्षाएं एक साथ देगा। 20 दिन का समय आपने दिया है और उसमें भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ तो नहीं है। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या उच्च शिक्षा मंत्री जी है वो गाइडलाइन में कुछ चेंजेस करते हैं विद्यार्थियों के हितों में। आगे आप देख सकते हैं अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण सिर्फ रेगुलर छात्रों का ही होगा। अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत रेगुलर तीनों संकाय यानी चाहे कला हो, वाणिज्य हो या फिर विज्ञान संकायों में स्नातक पाठ प्रथम द्वितीय व पीजी पूर्वार्ध के प्रवेशित विद्यार्थियों को अगली क्लास में क्रमोन्नत किया जाएगा। कॉलेज स्तर पर इस प्रक्रिया को पूर्ण कर विद्यार्थियों का डेटा ई मित्र पर पोस्ट किया जाएगा। विद्यार्थियों को ई मित्र के माध्यम से फीस जमा करानी होगी। अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण सिर्फ रेगुलर विद्यार्थियों का किया जाएगा। प्राइवेट छात्रों के बारे में कोई मैसेज या गाइडलाइन नहीं आई है। सीट खाली रहने की स्थिति में प्राइवेट छात्रों को है वो प्रवेश का मौका दिया जा सकता है। यह आप देख सकते हैं 12 या 13 से मिलने लगेगा आपको फीस जमा कराने का मैसेज। स्नातक पाठ द्वितीय व तृतीय तथा पीजी उत्तरार्ध में छात्रों को प्रमोट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज स्तर पर अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद छात्रों को 12 या 13 जुलाई से फीस जमा कराने के मैसेज मिलना शुरू हो जाएंगे जो ई मित्र पर जमा करानी होगी। इसमें अहम बात यह है कि कॉलेज के मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों को ही प्रमोट कर अस्थायी प्रवेश के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। यानी जिन विद्यार्थियों ने दोस्तों परीक्षा फॉर्म भरा है उन्हें ही है वो अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। जिन्होंने नहीं भरा है उन्हें क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। जो MDSU के विद्यार्थी है उन्होंने यदि नहीं भरा है तो वो जल्द से जल्द है वो परीक्षा फॉर्म भर दें। उनके परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू है। MGSU में भी जो MA MSc MCOM के विद्यार्थी हैं उनके लेट फीस के साथ में है, अंतिम मौका उन्हें भी दिया जा रहा है तो वो भी ज़रूर देख लीजिए। और भी कोई अपडेट दोस्तों विश्वविद्यालय कॉलेज परीक्षाओं के प्रमोशन के रिगार्डिंग, परीक्षाओं के रिगार्डिंग, टाइम टेबल, डेट शीट के रिगार्डिंग, पैटर्न के रिगार्डिंग आती है, चाहे BEd हो, BSc BEd हो, BA BEd हो, किसी भी कक्षा के रिगार्डिंग आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपनी चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।